हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सलमान खान के बैनर में बनी आयुष शर्मा और फरीना हुसैन की डेब्यूटेंट मूवी लव रात्रि। ओ सॉरी, इट्स लव यात्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी में कुछ भी नयापन नहीं है। जो ऑर्डिनरी लव स्टोरी होती है वैसी ही लव स्टोरी है। फिर भी मूवी की स्टोरी गुजरात के बड़ौदा में बेस्ड है। मूवी में आयुष शर्मा अका सुश्रुत एक कॉलेज बॉय के रोल में है और वरीना हुसैन एक NRI के रोल में है। उनका नाम मिशेल करके बताया गया है। और ये दोनों एक दिन नवरात्रि में मिलते हैं और दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर वरीना हुसैन कुछ कारणवश चली जाती है लंदन। और आगे क्या होता है, क्या आयुष शर्मा जा पाएंगे लंदन वरीना से मिलने, या उनका प्यार अधूरा रह जाता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सर, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लव यात्री आयुष और वरीना दोनों की फर्स्ट मूवी थी, मतलब दोनों की डेब्यूट मूवी थी। और ये फर्स्ट मूवी में मुझे लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंस काफ़ी वीक लगे। मतलब एक तरफ आयुष शर्मा को सही तरह से एक्सप्रेशन तक देना नहीं आता और दूसरी ओर वरीना सही तरह से ठीक से हिंदी डायलॉग तक नहीं बोल पाती। और मतलब वो दोनों को अपने एक्टिंग स्किल्स पर काफ़ी काम करना पड़ेगा जो बॉलीवुड में आगे टिकना है तो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि दोनों को लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या थी। मतलब दोनों को ना तो सही तरीके से एक्टिंग करने आती है, ना सही तरीके से डायलॉग बोलना आते हैं। खैर छोड़ो, ये बात हमें सिर्फ सलमान भाई बता सकते हैं। और बाकी जो साइड एक्टर्स हैं जैसे कि राम कपूर हो या रोनित रॉय हो या प्रतीक गांधी या मनोज जोशी, उनके परफॉर्मेंस बढ़िया है लेकिन वो सब मूवी में वेस्ट है। मतलब उनके पास सही तरीके से डायरेक्टर ने काम ही नहीं लिया है तो ओवरऑल मूवी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी निराश करती है। सो मैं यहाँ डायरेक्शन की बात करूँ तो मूवी को डायरेक्ट किया है अभिराज के मीनावाला ने और ये उनके भी फर्स्ट फिल्म है और शायद लास्ट भी हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन ही इस तरह किया है कि ऐसा ही बोल सकते हैं। मतलब उनके पास काफ़ी अच्छा मौका था अपने टैलेंट को शोकेस करने का, बट अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए। उनका डायरेक्शन में वीक तो नहीं बोल सकता पर काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है। जो मूवी के नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है हमको पता चल जाता है और मूवी हमें कनेक्ट भी नहीं कर पाती है कि। और मूवी की लेंथ 2 hours 30 minutes की है और ख़राब स्क्रीन प्ले होने की वजह से ये 2.5 घंटे की मूवी भी हमें 4-5 घंटे की लगने लगती है। मतलब एक टॉर्चर हो गया समझो। और मूवी से मैं तो काफ़ी एक्सपेक्ट करके गया था। मतलब मूवी के ट्रेलर, मूवी के प्रोमोस इतने अच्छे थे कि आपको मैं क्या बताऊं। बट अब मूवी देखकर लगता है कि मेकर्स ने मूवी के ट्रेलर और प्रोमोस पर ही ध्यान दिया है, मूवी की स्टोरी पर नहीं। मूवी में दो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो है मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी का म्यूज़िक। दोनों चीज़ आउटस्टैंडिंग है। मतलब मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरीके से सेट किया गया और मूवी का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है। मूवी के सभी सॉन्ग सुनने में हमें काफ़ी बढ़िया लगते हैं। सो लव यात्री एक बिलो एवरेज फिल्म है लेकिन अगर आप मूवी में सिर्फ मूवी के सॉन्ग्स के लिए जा रहे हो तो ही आप जाओ। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके जाओ क्योंकि अच्छी स्टोरी सुनने मिलेगी, अच्छी स्टोरी देखने मिलेगी, कुछ हटके देखने मिलेगा तो प्लीज़ मत जाना, मूवी आपको काफ़ी हद तक निराश करेगी। और अगर फिर भी आप मूवी देखना चाहते हो तो मूवी को सिर्फ 80-100 rupees की प्राइस रेंज में ही देखना ही मेरा सजेशन रहेगा क्योंकि मैंने ये मूवी 250 rupees दे के मैंने देखी है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। सो ये थे मेरे ओपिनियन मूवी लव यात्री के बारे में। आपकी मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने कुछ बायस्ड होकर मूवी का रिव्यू नहीं दिया है, मुझे मूवी जैसी लगी मैंने सिर्फ ऐसा ही रिव्यू दिया हैगा। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे अच्छे मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।